वेलकम बो इन दिस वीडियो आई एम टू स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो चलिए देखते हैं व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसको हम लोग समझेंगे तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर सम पार्ट ऑफ इट गेट कन्वर्टेड इन टू हीट दिस इफेक्ट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट कहने का मतलब जब किसी कंडक्टर से यानी किसी वायर से या किसी ऐसे सफ्टान जिससे करंट फ्लो होता है जिसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं तो उससे अगर करंट पास हो गया इलेक्ट्रॉन right का फ्लो होगा तो क्या होगा कुछ पार्ट जो है हीट में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब करंट जब फ्लो करेगा तो करंट का इफेक्ट दिखेगा एज ए फॉर्म ऑफ हीट मतलब किसी वायर से किसी कंडक्टर से जब करंट फ्लो होगा तो किस फॉर्म में दिखेगा उसका कुछ पार्ट हीट के फॉर्म में देखेगा यानी कुछ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आगे देखेंगे व्हाट इज

तो ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर के एंड में हम लोग जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन गेट यानी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्सेलरेट करेगा ठीक है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एसेलरेट करेगा ड्यूरिंग देयर मूवमेंट दिस इलेक्ट्रॉन गेट कोलाइड विथ वन अनदर एंड ऑल्सो विद द एटम ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू दिस कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन आइटम टू अनदर एंड ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज है ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज है कहने का मतलब क्या है इस फिगर से देखेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा दैट इज वोल्टेज एक सेल लगाएंगे कंडक्टर के दोनों इंट पर जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस देंगे दैट इज वोल्टेज देंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ये देख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यानी मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात एक सिंगल तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है तो आपस में क्या होगा कुलीजन होगा टक्कर होगा एटम के अंदर है ना तो आपस में जब कुलीजन होगा तो कुलीजन के वजह से क्या होगा जो मूव कर रहा था उसके पास है कायटिक एनर्जी तो ये कायटिक एनर्जी जो है काफी बढ़ जाएगा क्योंकि कोलिजन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे कोलिजन बढ़ेगा तो कायटिक एनर्जी जो है मोशन बढ़ेगा तो मोशन के वजह से क्या होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जब कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद क्या होगा टक्कर होगा और टक्कर में क्या होगा ये जो काइनेटिक एनर्जी घटेगा ये घटेगा तो एनर्जी जाएगा क्या क्योंकि हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पढ़ते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉय जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा कोलिजन होगा और कोलिजन होने से क्या होगा ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट का कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के एंड पे अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सलेट करता मूव करता और उसके मूवमेंट के वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करता है एटम से कोलाइड करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है जिसके वजह से कांटिक एनर्जी जो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है और ओवरऑल और काइंटिक एनर्जी बढ़ जाता है जिसकी वजह से हम तो लोग जानते हैं काइंटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के तो काइंटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस फॉर्म में देखेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट देखेगा दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट तो आगे हम लोग देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है तो जूस ऑफ हीटिंग क्या है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है यह बताया था जूल्स ने जूल्स अंकल ने बताया था चाचा ने बताया था कि हीट जो प्रोड्यूस होता है वो किन किन चीजों पे, किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है तो देखेंगे हम लोग जो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर यानी जो करंट फ्लो होगा उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन हीट कितना प्रोड्यूस होगा हीट वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जिसको हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर दूसरा दूसरा देखेंगे दुसरा क्या बोलता है ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर को जो रेजिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोधक कितना रुकावट डाल रहा कंडक्टर उस पर भी डिपेंड करेगा हीट यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के तीसरा बोलता है तीसरा स्टेटमेंट कि इस हीट जो प्रोड्यूसर रहा कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम फॉर विच करंट इज पास मतलब कितने टाइम तक करंट पास हो रहा है अगर ज्यादा टाइम तक करंट पास होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा यानी हीट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के जितने टाइम तक करंट फ्लो होगा यानी हीट करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी ज्यादा करंट फ्लो होगा तो हीट ज्यादा फ्लो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा रुकावट ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितने ज्यादा समय तक करंट फ्लो होगा उतने ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो इन तीनों को मिला के हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट देते दिस इज लॉ ऑफ हीटिंग 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 इफेक्ट अब हम लोग समझेंगे एलिमेंट एलिमेंट के बारे में किसको हैं तो हीटिंग एलिमेंट क्या होता है द पार्ट ऑफ एप्लींस जैसे आयरन हो या हीटर हो उसके अंदर एक हिस्सा होता है एक पार्ट होता है जो हीट अप होता है विच अप ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट मतलब जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट जो फिनोमेना देखा जाता है किसी कंडक्टर के किस हिस्से में देखा जाता है जो हीट करता है ना यह हो गर्म होगा उसी को कहते हैं कहेंगे हम लोग हीटिंग एलिमेंट या हीटिंग सब्सटेंस तो हीटिंग एलिमेंट क्या है किसी भी अप्लायंसेस का जैसे आयरन हो या हीटर हो तो उसका जो एक हिस्सा होगा एक पार्ट होगा जो कि गर्म होगा जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगा उस पार्ट को उस हिस्से को कहेंगे हम लोग हीटिंग एलिमेंट कहेंगे यानी हीटिंग एलिमेंट क्या है द पार्ट ऑफ अप्लायंसेस विच हीट अप ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट जैसे कि हीटिंग एलिमेंट का बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे ये है फॉर्मूला एज बराबर आई स्क्वायर आर टी तो हीटिंग एलिमेंट का बात करें तो जैसे बल्ब जो होता है ना पीला वाला बल्ब तो इसमें जो होता है टंक्सटेंट होता है टक्सटेंट का फिलामेंट होता है तो यहाँ पे ट्सटेंट जो फिलामेंट है दैट इज द हीटिंग एलिमेंट टेंट क्या है एक एलिमेंट है तो यहाँ पे यूज किया जाता है फिलामेंट में एज ए हीटिंग एलिमेंट इन द बल्ब ये इसको कहते हैं इंसेंडिसेंट बल्ब तो यहाँ पे देखेंगे नाइक्रोम नाइक्रोम वायर वायर है वायर का भी का, काफी ज्यादा यूज होता है जो कि देखेंगे तो हीटिंग वगैरह जो सबस्ट है जैसे वाटर हीटर हो गया या फिर नॉर्मल जो हीटर होता है तो इन सब में नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है ये भी क्या एक तरह का हीटिंग एलिमेंट है तो हीटिंग एलिमेंट क्या एक तरह का कंडक्टर एक तरह का सब्सटांस होगा जिसको यूज किया जाएगा किसी भी हीटिंग एप्लींसेज में इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग एलिमेंट जहाँ पे जूल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखा जाएगा तो ये हीटिंग एलिमेंट का बात और आगे देखेंगे

प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है यानी घर में जब ओवरलोड वगैरह आ जाता है ना तो ओवरलोड से बचाने के लिए हाई करेंट जब फ्लो होता है तो जो भी अप्लियंसेज रन कर रहे हैं उसके सीरीज में फ्यूज लगाया जाता है ताकि डैमेज कम से कम हो तो देखेंगे हम लोग जैसे कि टोस्टर हो गया आयरन हो गया केटली हो गया स्टोव हो गया वाटर हीटर हो गया तो ये सब जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करते है ये सभी सब्सटेंस यानी इन सभी से करंट फ्लो होता है और इसमें एक हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है सभी में और वो हीट प्रोड्यूस करता है और ये हम लोग यूटिलाइज करते हैं ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये बल्ब भी देख रहे हैं जो ग्लो कर रहा है तो यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है जो कि करंट जब प्रोड्यूस हो रहा है तो ये क्या कर रहा है इसको हीट कर रहा है और हीट करने से क्या हो रहा है ये ग्लो कर रहा है और इसका मेल्टिंग पॉइंट फिलामेंट काफी हाई होता है जिस वजह से ये ब्रेक भी नहीं करता है मेल्ट भी नहीं होता ड्यू टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसको जो है इवेक्यूएटेड यानी एक ग्लास के देख सकते हैं ग्लास से मतलब क्या इंक्लोज किया हुआ है यानी शीशे का जो है एक वहसल है जिससे इंक्लोज किया हुआ है और अंदर में जो नाइट्रोजन आर्गन वगैरह भरा जाता है ताकि जो है ऑक्सीडेशन वगैरह ना हो इपरेशन ना हो तीसरा हम लोग देखेंगे देखेंगे ये ये जो जो फ्यूज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि इन्वर्टर वगैरह हो गया और भी गैजेट देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान तो उन सब में जो है ये फ्यूज यूज किया जाता है ये भी एक तरह का फ्यूज है यहाँ पे वायर देख रहे हैं जनरली जो है कॉपर हो सकता है टिन हो सकता है नाइक्रोम हो सकता है इन तर, इस तरह का हम लोग वायर का यूज करते हैं लेकिन जनरली यहाँ पे जो वायर यूज करते हैं वो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट का यूज करते हैं क्योंकि फ्यूज का काम क्या है हाई करेंट पे ब्रेक हो जाना ताकि सर्किट ब्रेक हो और हमारा जो एप्लींसेज है वो बच सके जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट जैसे टीन वगैरह का यूज ज्यादा किया जाता है फ्यूज में। ये एक फ्यूज है जो कि घरों में हाउस होल्ड में ज्यादा यूज हो सकता है ज्यादा यूज किया जाता है जैसे कि यहाँ पे देख सकते इसका जो बॉडी बना होता है बेस वगैरह ये सब ये पॉर्सिलीन का बना होता है चीनी मिट्टी का और यहाँ पे देख सकते कॉन्टैक्ट वगैरह है और ये फ्यूज़ वायर देख सकते यही जो होता है फ्यूज वायर जनरली घरों में कॉपर वगैरह का यूज कर देते हैं है ना तो ज्यादा बेटर जो है टीन वगैरह है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कॉपर से भी कम होता है तो ये फ्यूज़ वगैरह जो है हमारे घरों में यूज़ किया जाता है ये जो जनरली हाउस होल्ड वर्क में ये ज्यादा यूज होता है और एक अलग अलग रेटिंग पे आता है जनरली करंट के हिसाब से एक एम्पेयर दो एम्पेयर तीन एम्पेयर चार एम्पेयर पाँच एम्पायर बेस्ड ऑन द करंट ठीक है ये था हमारा एप्लीकेशन पार्ट जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकें